एंड सस्पेंशन ब्रिज। अब हम इस टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें स्टिफनिंग गर्डर नहीं होता, एक जिसमें स्टिफनिंग गर्डर होता है। तो आखिर ये क्या बला है स्टिफनिंग गर्डर, सबसे पहले इसको डील करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का होता है। सपोज ये हमारे सपोर्टिंग टावर्स हैं, सपोर्टिंग टावर्स यानी कि ऐसे टावर्स जो हमारे ब्रिज को सपोर्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमारा ऐसे जो दो मैंने बनाए हैं, वैसे तो और भी टाइप के मतलब दो होते हैं, एक पुली होता है और एक रोलर होता है यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे जैसे मैंने पुली शेप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली पुली है और यहाँ पे केबल डाला होता है। केबल किसी फिक्स्ड पॉइंट या रिजिड सपोर्ट या रिजिड ब्लॉक या जहाँ कहीं भी रिजिड सपोर्ट से जुड़ा होता है, जो कि केबल को टाइट हैंड करके रखता है। और यहाँ पे हमारा होता है स्पैन, इसी स्पैन के ऊपर ये रोडवे बनी होती है जिसके ऊपर व्हीकल्स चलती हैं, इधर से उधर ट्रैवल करती हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कुछ इस तरीके से, इन्हें हम हैंगर्स बोलते हैं। ये जो समझ ही गए होंगे, हैंगर्स दिख ही रहा है। एंड ये हमारा ये जो ये है केबल, ये हमारा रोडवे जहाँ से व्हीकल ट्रैवल करेंगी। ये हमारे हो गए सपोर्टिंग टावर्स जो कि हमारे ब्रिज को सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये है सस्पेंशन ब्रिज। विथाउट स्टिफनिंग गडर यानी कि जो हमारा ब्रिज है वो डायरेक्टली हमारे रोडवे से अटैच है, यानी कि इसमें कोई स्टिफनिंग गडर, एक होता है स्टिफनिंग गडर, मैं अभी जब स्टिफनिंग गडर में आऊँगा तो बता दूंगा। ओके, यहाँ पे सपोज ये तो पानी भरा हुआ है, यहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा है, तभी तो हमने ब्रिज बनाया है, नहीं तो ज़मीन में क्यों बनाते हैं। ओके, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टिफनिंग गडर क्या होता है। स्टिफनिंग गडर क्या है ये, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, सपोज यही है डायग्राम, और यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनसे ये अटैच है, जो हमारे हैंगर्स हैं। ये जो हैंगर्स हैं इनको अटैच कर देते हैं और इनके ऊपर हमारा रोडवे होता है। तो यही चीज़ है, यही ब्रिज है, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर हमने एडिशनल ऐड किया है, दिस आर नोन एज स्टिफनिंग। गर्डर, ओहो, GIRDR, तक कंजस्टेड स्पेस हो गया है। ओके, सो बेसिक हमारा डायग्राम यहाँ से समझ आ गया कि ये है सपोर्टिंग टावर्स, ये है हमारा रोडवे, ये हमारा केबल, ये रिजिड सपोर्ट से जहाँ फिक्स होगा, जो पीछे वाला साइड है इसको हम एंकर भी बोलते हैं, और ये मेन केबल है, ये हैंगर्स जिससे लटका हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे है, तो ये जो डेप्थ है इसको हम डिप बोलते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आ जाएंगे और टेक्निकल उससे डील करेंगे। सो बेसिकली मैं आपको सस्पेंशन केबल के बारे में बता देता हूँ। जो सस्पेंशन केबल यानी कि ये जो केबल है वो फ्लेक्सिबल होता है थ्रू आउट एंड कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोमेंट, यानी कि ये बेंडिंग मोमेंट मतलब इसके अंदर नहीं होता, अब सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट इसका जीरो होता है। ये कैसा भी शेप अडॉप्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे ड्यू टू लोडिंग ऐसा टाइप का शेप अडॉप्ट कर लिया, फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी इसलिए। और ये सिर्फ डायरेक्ट टेंशन ले सकता है, ठीक है, एंड थ्रू आउट। ओके,
अब हैंगर्स की बात करते हैं। हैंगर्स, ये जो हैंगर्स हैं यहाँ पे तो गिनती के दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, और ज़्यादातर हैंगर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इन हैंगर्स को एज एन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL की तरह एक्ट करते हैं। मतलब इन हैंगर्स को एज ए UDL ले लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि वो ईजी बन जाता है और कुछ नहीं। फिर स्टिफनिंग गर्डर्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस को लार्ज डिफ्लेक्शन, मतलब इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम केबल्स के मतलब ऐसे शेप्स जो हमारे होते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, जो शेप पैराबोलिक शेप है जो कि केबल की वजह से बना, उसको मेंटेन करने के लिए हम ऐसे स्टिफनिंग गर्डर्स यूज़ करते हैं, जब लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ वेट हो। ओके, अब मैं इसका शॉर्ट थोड़ा, ये जो सेक्शन है इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, और ये जो सेक्शन जो मैं बनाऊंगा तो पूरी खिचड़ी बन गई। अब क्या बनाऊं, तो इधर डायग्राम देखो, ये कुछ इस तरीके का केबल था। अब ये जो केबल है उसमें टेंशन होगा। ओके, अभी क्या था, जो हमारे जो साइड में दोनों सपोर्टिंग टावर्स थे वो सेम हाइट के हमने माने, सपोज एच ये हाइट का है और ये भी एच हाइट का ही है, ठीक है। सीधा जो टेंशन आएगा वो दोनों में सेम आएगा। ओके, सपोज करो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैंगर्स बने हुए थे, इनसे लोडिंग आ रही थी जिसको मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग कह दिया था, क्योंकि इतने सारे होते हैं कि हम उनको UDL की तरह ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि फोर्स के कुछ कॉम्पोनेंट्स होंगे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया ए का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी का। ओके, और ये जो हमारा केबल कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, पर ऐसा रहता नहीं है क्योंकि लोडिंग के कारण, और हम इसको ऐसा शेप बनाते हैं उसका भी रीज़न है, आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो एक डिप फॉर्म हो जाएगी, अभी हाल मैंने उसकी वैल्यू सी ले ली, क्योंकि मैंने सी पॉइंट, इसको एक सी पॉइंट ले लिया, तो इसका जो डिप है उसको वाई सी कंसिडर कर लिया, और ये जो केबल है उसकी वैसे लेंथ टोटल कैपिटल एल है, बट हम स्पैन की बात करते हैं, स्पैन यानी कि जो हमारा रोडवे है उसकी तो लेंथ स्मॉल एल ही है ना भाई। ओके, अब देखो डायग्राम से वैसे ही हमको समझ आ रहा है, ये W यूनिट यूनिट लेंथ या फिर W पर मीटर, जैसे भी आप सुविधा लगे। अब जैसे हमको डायरेक्ट दिख रहा है इस डायग्राम से कि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होंगी वो दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, सो ऑफ कोर्स एच ए इक्वल्स टू एच बी इक्वल्स टू एच। ओके, रही बात वर्टिकल फोर्सेस की, तो यहाँ पे W यानी कि W पर मीटर का लगा हुआ है लोडिंग, और इसकी लेंथ टोटल L है। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हम किसी भी पॉइंट पे, मतलब हमको फाइंड करना है लोडिंग लगी हुई वर्टिकल फोर्सेस है, या तो उसको बड़े टेक्निकली ऐसा डायग्राम बना के, यहाँ रिएक्शन यहाँ रिएक्शन, यहाँ पे अगर ऐसा UDL दौड़ाओ उसका नाम लिखो W पर मीटर, यहाँ लिखो लेंथ L, यहाँ लिखो वर्टिकल ए वर्टिकल बी, और ऐसा करके सॉल्व करो, कर लो, मना नहीं कर रहा। जैसे समेशन ऑफ यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट बी ज़ीरो ले लो, तो वी ए इंटू एल इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल टोटल इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू पर मीटर है, टोटल लेंथ एल है, और ये एल बाई टू इसके सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ से हम मोमेंट ले रहे हैं ना, तो वी ए इंटू एल का डिस्टेंस। अब ये जो था ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया इसके एल बाई टू डिस्टेंस पे, डब्ल्यू इंटू एल, फिर ये निकाल लिया, सो यहाँ से हमको वी ए की वैल्यू निकल गई डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, अब कॉमन सेंस है यार, वी ए प्लस वी बी क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एल होगा, टोटल डब्ल्यू पर मीटर इंटू एल, और यहाँ से वी बी की वैल्यू निकल गई डब्ल्यू एल बाई टू, इसको मैं आगे कभी सॉल्व नहीं करने वाला, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू, सीधी बात नो बकवास। ओके, यानी कि ये दोनों रिएक्शंस की भी हमारे पास वैल्यूज है वी ए और वी बी की, जो कि दोनों अभी फिलहाल सेम आई हैं डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, या फिर इसको आप एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते थे, क्या होता है जो टेंशन, ये मतलब यहाँ जो पॉइंट सी है
अगर इसके थ्रू हम मोमेंट लेते, मोमेंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते, उससे भी यही वैल्यू आता, यही आंसर निकलता। अब हमारी बात करते हैं, अब हमारा वर्टिकल रिएक्शंस तो फाइंड आउट हो गया, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। इसको मैं एच ही लिख देता हूँ क्योंकि अब एच एच भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, यानी कि इतने सेक्शन को कंसिडर करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, हमने ऐसा मान लिया है। अब सीधे सीधे क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, यानी कि सी पॉइंट पे मोमेंट ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, ऑफ कोर्स जो हमारा केबल है वो कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट लेगा नहीं, जैसे मैंने बताया मोमेंट ज़ीरो होता है हर पॉइंट पे। तो सपोज़ मैंने कहा इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे फोर्सेस देख सकते हैं, अभी टेंशन की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि टेंशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, और हमने सिर्फ लेफ्ट साइड को ही कंसिडर किया, तो यहाँ पे एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। ओके, तो सबसे पहले हम मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल्स टू ज़ीरो से निकालते हैं। ओके, सबसे पहले ये एक फोर्स है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, कई लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, कई लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, जैसी मर्जी जो करना है करो, आंसर सेम आना है। ओके, ये जो VA इंटू, अब इसकी डिस्टेंस L बाई टू है यहाँ पॉइंट सी से, तो ये पहला हो गया। अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मैंने क्लॉकवाइज को सपोज पॉजिटिव ले लिया, और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये कुछ ऐसा जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैं माइनस करके वो सब लिखने से अच्छा सीधा इस साइड लिख रहा हूँ, H इंटू वाई सी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से नहीं ले रहे, नहीं तो ये ज़ीरो हो जाता। ओके, यहाँ से ले रहे हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे वेट जो लग रहा है W पर मीटर लेंथ का, वो उसका इफेक्ट इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में। तो अब ऊपर वाला को जब मैंने क्लॉकवाइज बोला तो नीचे वाला तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू प्लस W, ओके, एल बाई टू का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल बाई टू इंटू, अब इस वेट इतने पार्ट के वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल बाई फोर पर ही आया होगा, जब ये एल बाई टू है तो जब एल बाई टू का और सेंटर लेंगे तो एल बाई फोर आएगा, तो वो उसका सेंटर निकल जाएगा, और हमको वी ए का वैल्यू पता है, सीधा वी ए का वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू पुट करेंगे जो हमने पहले निकाला हुआ है, इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू एच इंटू वाई सी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, ये भी डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू फोर बन जाएगा। अब यहाँ बचा डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू फोर, यहाँ बचा डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एट, सीधे सीधे एच इंटू वाई सी की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकल गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी। ओके, तो यहाँ से हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू है पता, वर्टिकल फोर्स की वैल्यू पता है, तो टेंशन क्या होता है जो कि मैक्सिमम होगा वो होता है अंडर रूट, नॉर्मल आपको पता है फैक्टर से सॉल्व किया हुआ है कई लोगों ने, मैक्सिमम ने किया हुआ है, सीधा सीधा वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको टेंशन निकल जाएगा इस स्ट्रिंग पे।